महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जुड़े मनरेगा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। साथ ही एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर 4 माह से वेतन ना दिए जाने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से जुड़े कर्मियों ने छत्तीसगढ़ की सरकार से किए गए वादे को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्गा के मानस भवन में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। साथ ही मनरेगा कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार से होली महापर्व पर नियमितीकरण की सौगात दी जाने की मांग कर डाली। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4th बजट से मनरेगा कर्मी आस लगाए बैठे थे, परंतु बजट में मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं होने के कारण उन्होंने इस तरह आक्रोश जताया। साथ ही मनरेगा कर्मियों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाने को लेकर अधिकारी कर्मचारी व ग्राम रोजगार सहायक सहित सभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह से काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस संबंध में न्यूज टीम को संघ के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले तो आप सभी को जय जोहार। ये आज हम लोग एक दिवसीय जो है धरना हम कर रहे हैं। ये हमारा सबसे पहला जो मांग था वो है नियमितीकरण का, जो पिछले 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में है और का मंत्रीगण जो है कांग्रेस के, वो आए थे हमारे धरना प्रदर्शन में और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम 10 दिन के भीतर हम नियमितीकरण का करेंगे करके। और ऐसा देखते हुए 3 साल बीत गए, अब 3 साल 3 माह हो गया, लेकिन नियमितीकरण का अभी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा लगातार हमारे जनपदों से या कार्यालयों से जो संबंधित कार्यालय हैं वहां से हम जानकारी लगातार मांगी जा रही है, पर आगे किसी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो अभी तक पता नहीं चला है। दूसरा मांग ये है कि जो हमारे रोजगार सहायक हैं, जो मनरेगा के कार्यों का जो मेन जो बोलना चाहिए हमारे हाथ पैर है, रोजगार सहायक है, उनका जो है वेतनमान जो है वो निर्धारण नहीं हुआ है। तो मेन रोजगार सहायकों का के तरफ से मैं जिला अध्यक्ष दुर्ग ये मांग कर रहे हैं कि रोजगार सहायकों का वेतन मान जो है निर्धारित किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।